नमस्कार। NIOS के छात्रों, आपका NIOS के स्टूडियो में स्वागत है। आज का पहला चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोग्राम्स को शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अब तक हम जितने भी संख्याएं देखते रहे हैं या जिनके साथ हम कैलकुलेशन करते रहे हैं, उन सब में जब भी हमने किसी भी संख्या का स्क्वायर किया, वर्ग किया, तो हमें एक घनात्मक संख्या ही प्राप्त हुई, हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिला। जैसे 4 का वर्ग किया तो 16 मिला, घटा 1/2 का वर्ग किया तो 1/4 मिला, वर्गमूल 3 का वर्ग किया तो हमें 3 मिला, घटा 5 का वर्गमूल का वर्ग किया तो हमें 5 मिला। कोई ऐसी संख्या नहीं थी जहां पर कि हम वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त करते, जैसे घटा 25 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। घटा 625 का वर्गमूल कैसे निकालें, घटा 1/4 का वर्गमूल कैसे निकालें, घटा 32 वर्गमूल का कैसे हम समाधान करें। ऋणात्मक संख्याएं या जो वो संख्याएं जिनके आगे घटा का चिन्ह लगा हो, उनका वर्गमूल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक नई संख्या की। इस नई संख्या को हम कहते हैं आयोटा। आयोटा बराबर है वर्गमूल घटा 1। तो आयोटा को अगर हम वर्ग करें तो हमें मिलेगा घटा 1 के वर्गमूल का वर्ग, यानी घटा 1। ये मिली हमें नई संख्या। इस नई संख्या के आधार पर हम कुछ संख्याओं का रचना करेंगे और उससे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे चल के। पर पहले एक चर्चा करें हम, आयोटा का वर्ग बराबर हुआ, आयोटा का मान हमने आपको बताया वर्गमूल ऋणात्मक 1, इसका वर्ग। तो क्या इसके वर्ग को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल घटा 1 का वर्ग? अब घटा 1 का वर्ग तो हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। तो क्या मैं ये कहूँ कि आयोटा का वर्ग 1 के बराबर है? ये सही नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। जब हम दो संख्याएं किसी वर्गमूल के साइन के चिन्ह के अंदर हम देखते हैं तो उनको हम गुना तभी कर सकते हैं यदि उन दोनों संख्याओं में से कम एक संख्या घनात्मक हो। अब जैसे वर्गमूल a गुना वर्गमूल b, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल ab। वर्गमूल घटा a को अगर हम गुना करें वर्गमूल b से तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल घटा ab, और घटा ए बी को हम लिख सकते हैं घटा 1 गुना ए बी वर्गमूल चिन्ह के नीचे। अब घटा 1 का वर्गमूल आपने देख ही चुके हैं कि ये होता है आयोटा, तो इसको हम लिखेंगे ए बी आयोटा। एक और संख्या लेते हैं हम, वर्गमूल घटा ए गुना वर्गमूल घटा बी। अब इसमें घटा ए और घटा बी को हम गुना नहीं कर सकते। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन संख्याओं को हम गुना तभी कर सकते हैं यदि दोनों में से कम एक घनात्मक हो। यदि दोनों ही ऋणात्मक हैं तो हम उनको गुना नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लिखेंगे आयोटा वर्गमूल ए वर्गमूल घटा ए के लिए, वर्गमूल घटा बी के लिए हम लिखेंगे आयोटा वर्गमूल बी। अब आयोटा और आयोटा को गुना हुए तो ये बन गया आयोटा का वर्ग और वर्गमूल ए बी। आयोटा का वर्ग हो गया घटा 1, तो हमें मिल गया घटा वर्गमूल ए बी। और संख्याएं देखते हैं हम। अब संख्या लेते हैं वर्गमूल घटा 25। घटा 25 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 25 गुना घटा 1। 25 का वर्गमूल तो हो गया 5,
घटा एक का वर्गमूल हो गया आयोटा, तो वर्गमूल घटा 25 का हमें जो रिज़ल्ट मिला वो आया 5 आयोटा। इसी तरह घटा 32 ले लीजिए, घटा 32 का वर्गमूल बराबर लिखेंगे हम वर्गमूल के चिन्ह के नीचे 16 गुना 2 गुना घटा 1। घटा 1 इसलिए क्योंकि घटा 32 था पहले। 16 का वर्गमूल आ गया 4, 2 के वर्गमूल को 2 का वर्गमूल लिखेंगे और घटा 1 के वर्गमूल को लिखेंगे आयोटा। बिल्कुल इसी तरह वर्गमूल घटा 18 को हम लिखेंगे 9 गुना 2, और क्योंकि घटा पहले है इसलिए हम घटा 1 अलग से लिख लेते हैं। ये हो गया वर्गमूल 9 गुना वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल घटा 1। 9 का वर्गमूल हो गया 3। 2 वर्गमूल को ऐसे ही लिखेंगे और घटा 1 का वर्गमूल हो गया आयोटा। तो इस तरह हमने आपको मिलाया एक ऐसे माप से जिसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स के आई से इस आई का हमने एक चिन्ह बनाया जिसको कि हम इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर कहते हैं। आयोटा का वर्ग हमने देखा घटा 1 है। अब हम देखते हैं कि आयोटा की शक्ति जब हम 3 बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है। आयोटा के 3 को हम लिखेंगे आयोटा का वर्ग गुना आयोटा। आयोटा का वर्ग बन जाएगा घटा 1, आयोटा ऐसे ही रहेगा तो हमें मिलेगा घटा आयोटा। तो आयोटा का जब हम पावर 3 बनाते हैं तो वो मिल जाती है हमें घटा आयोटा। अब अगर हम आयोटा की शक्ति 4 बना दें तो 4 बनाने से हमें मिलेगा आयोटा वर्ग गुना आयोटा वर्ग। आयोटा वर्ग हो गया घटा 1, आयोटा वर्ग हो गया घटा 1। घटा 1 को घटा 1 से गुना करें तो 1 आ जाएगा। अब आगे चलें, आयोटा की शक्ति 5, इसको हम लिखेंगे आयोटा का 4 गुना आयोटा। आयोटा की शक्ति 4 अभी हमने देखा ये 1 देता है हमें, और गुना आयोटा तो हमें मिल जाएगा आयोटा। यानी आयोटा की शक्ति 5 हमें मिलेगी आयोटा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि आयोटा की शक्ति जब हम 4 करते हैं तो हमें 1 मिलता है, एक घनात्मक संख्या मिलती है। आयोटा का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऋणात्मक 1। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी आयोटा की शक्ति को आयोटा में बदल सकते हैं। जैसे आयोटा की शक्ति ली हमने 34 को हम लिखेंगे 8 गुना 4 जमा 2। 8 गुना 4 को हम लिखेंगे आयोटा की शक्ति 4 की शक्ति 8, यानी कि इसमें योग हुआ है 2, तो इसको लिखेंगे हम गुना आयोटा का वर्ग। आयोटा की शक्ति 4 हो गया 1, 1 की शक्ति ली 8 तो हो गया 1, आयोटा की शक्ति ली 2, आयोटा का वर्ग लिया तो घटा 1 आया, तो आयोटा की शक्ति 34 हमें देगी घटा 1। तो इस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कैसे इमेजिनरी नंबर्स बनते हैं, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को मिला के कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने
हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर, दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग। व्यू मैट्रिसेस यानी अव्यू। अव्यू की विधि की रचना आर्थर केहले ने 19वीं शताब्दी के मध्य में की थी, लेकिन जब से इसकी रचना हुई है हमने ये देखा कि ना केवल गणित में बल्कि फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स में भी, कॉमर्स में भी और जाने कितने सब्जेक्ट्स में इसको प्रयोग किया जा रहा है। और गणित में हम विशेषकर इसको प्रयोग करते हैं
समीकरणों की श्रृंखला के हल को निकालने के लिए। आइए एक टेबल को देखें। इस टेबल में बहुत सारा तथ्य एक छोटे से टेबल में समा गया है। बहुत सारा काम चीज़ें, जैसे रीना और मयंक बाज़ार गए, उन्होंने किताबें खरीदी, पेंसिल खरीदे और पेन खरीदे। रीना ने 2 किताबें खरीदी, 3 पेंसिल खरीदी और 4 पेन खरीदे। मयंक ने 1 किताब, 4 पेंसिल और 5 पेन खरीदे। इस तरह लिखने की विधि को ही हम अव्यूह कहते हैं। अव्यूह यानी इंग्लिश में मैट्रिक्स। अब ये 2 उदाहरण और देखिए। इसमें संख्याएं 2 कोष्ठकों में रखी हुई हैं। ये भी अव्यूह के उदाहरण है। अव्यूह को संबोधित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए संक्षेप में हम प्रायः अंग्रेज़ी अक्षरों के कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे ए दिखा रहा है 2, 4, 5, 6, एक अव्यूह। बी दिखा रहा है 2, 1, 3, 4, 4, 5, अव्यूह। और सी दिखा रहा है 3, 4, 1, 0, 2, 4, 1, 5, 6, अव्यूह। अब इन अव्यूह में आपने देखा कि किसी में पंक्तियां कम हैं, किसी में स्तंभ कम है, किसी में पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर हैं। आइए एक नज़र डालें एक बार फिर कुछ अव्यूहों पर। ए एक अव्यूह लिया हमने, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। पंक्तियां हैं 2, 4 पहली पंक्ति, 5, 6 दूसरी पंक्ति। इसको हम कहते हैं 2x2 का अव्यूह। अब ये पहला 2 जो है वो हमेशा पंक्ति के लिए प्रयोग होता है, और दूसरा जो अक्षर हम लिखेंगे, दूसरा जो हम अंक लिखेंगे, वो होगा स्तंभ के लिए। तो 2x2 का मतलब ये है कि 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। अब इस अव्यूह को देखिए, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? इसमें हैं 3 पंक्तियाँ। पहली पंक्ति 2, 1, दूसरी 3, 4, तीसरी 4, 5, और स्तंभ अपने आप गिने गए 2, 3, 4 पहला स्तंभ है, 1, 4, 5 दूसरा स्तंभ है। तो इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। तो इस अव्यूह को हम कहेंगे कि ये 3x2 का अव्यूह है। एक हमने सी लिया अव्यूह, इसमें पहली पंक्ति है 3, 4, 1, दूसरी है 0, 2, 4, तीसरी है 1, 5, 6, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। आपने देखा होगा कि जब भी मैं अव्यूह को पढ़ता हूँ तो पंक्तियों में पढ़ता हूँ, उसके स्तंभों में नहीं पढ़ता। हमेशा पहला जो देखा जाता है उसमें अव्यूह में, वो हमेशा पहले उनकी पंक्तियों को देखा जाता है और स्तंभ अपने आप उसमें समा जाते हैं। तो ये है 3x3 का अव्यूह, 3x3 का मैट्रिक्स। इसमें 3 ही पंक्तियाँ हैं, 3 ही स्तंभ हैं। ये जो हम 2-2 या 3-2 या 3-3 लिखते आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं अव्यूह का क्रम, उसका ऑर्डर। और अगर किसी अव्यूह में m पंक्तियाँ हों और n स्तंभ हों तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m/n। तो उसको हम कहेंगे m/n मैट्रिक्स या m/n अव्यूह। अब एक अव्यूह को लेके हम उसके अवयवों के बारे में बात करते हैं, उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 4, 5, 6, 0, 7, 9। इसके अवयव 2, 3, 1, 4, 5, 6, 0, 7, 9 कुल मिला के 9 हैं। यदि हम लिखें कि अवयव ए 1, 1, जैसे हमने लिखा है, 1, 1 का मतलब हुआ पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का अवयव कौन सा है? प्रत्यक्ष है कि ये 2 है, 2 पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। और अगर हम अवयव जानना चाहें 2, 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति है 4, 5, 6 और तीसरी स्तंभ है 1, 6, 9,
तो ये अवयव बन गया छः। अब हम अवयव जानना चाहते हैं, ए तीन एक, तीन हो गया पंक्ति, तीसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, तो अवयव हो गया शून्य। सामान्यतः हम अवयव को निर्धारित करते हैं या संबोधित करते हैं ए आई जे से। ए आई जे मतलब ए है अवयव के लिए, कहाँ पर, आई पंक्ति में और जे स्तंभ में। यदि हमें यह बता दिया जाए कि ए आई जे को निकालने के लिए हमें ये सूत्र प्रयोग करना है, दो आई जमा जे बटे दो, और हमने एक अवयव बनाना है जो कि तीन बाई दो क्रम का हो, तीन बाई दो क्रम का, उसमें तीन पंक्तियां और दो स्तंभ होंगे। तो आइए इस अवयव की रचना करके देखें। अवयव का पहला अवयव निकालने के लिए, पहला अवयव मतलब पहली पंक्ति और पहली ही स्तंभ, तो उसमें हमने इस सूत्र में दो जमा एक बटा दो बराबर तीन बटा दो पाया। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन कौन सा आएगा अवयव, आई की जगह हम लिखेंगे एक और जे के लिए जगह लिखेंगे हम दो, तो दो जमा दो बटे दो बराबर हो गया दो। और दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कौन सा अवयव आएगा, आई के लिए की जगह लिखेंगे हम दो और जे की जगह लिखेंगे एक, तो ये हो गया चार जमा एक बटे दो बराबर पाँच बटे दो। इसी तरह ए दो दो हो जाएगा तीन, ए तीन एक हो जाएगा सात बटे दो, और ए तीन दो हो जाएगा चार। तो हमने सारे अवयव ज्ञात कर लिए, अब इनको अवयव के रूप में लिख दें तो ये आएगा तीन बटा दो दो, पाँच बटा दो तीन, सात बटा दो चार। फिर देखिए कि जब मैं अवयव को पढ़ता हूँ तो उसको पंक्तियों से पढ़ता हूँ, और यही आपको एक अपने में आदत डालनी है कि अवयव को जब भी आप पढ़ें तो पंक्तियों से पढ़ें, और जो स्तंभ हैं उनको लेना है तो उसके बाद में लेंगे। अब हमने देखा कि अवयव कितने ही रूपों के बन रहे हैं, कहीं पर तो उनकी पंक्तियाँ और उनके स्तंभ बराबर हैं, कहीं पर पंक्तियाँ ज़्यादा हैं, कहीं पर स्तंभ ज़्यादा हैं, तो अलग अलग शेप के जो बनते हैं अवयव उनको हम नाम देते हैं। जब उनकी पंक्तियाँ और उनके स्तंभ बराबर हों तो उसको हम कहते हैं वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, उनके पंक्तियाँ और उनके स्तंभ बराबर होंगे, और अगर पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर नहीं हैं तो उसको हम कहेंगे आयताकार अवयव। आयताकार यानी इसमें या तो उनके पंक्तियाँ अधिक होंगी स्तंभ से या स्तंभ अधिक होंगे पंक्तियों से। अब एक विशेष अवयव की बात करते हैं हम। मान लीजिए कि लिखते समय हम किसी भी क्रम का अवयव लिखें, उस अवयव में सभी संख्याएं हम शून्य लिखते हैं, यानी हर एक अवयव उसका शून्य है, तो ऐसे अवयव को हम कहते हैं शून्य अवयव, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि सभी के सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं। अब एक और अवयव आपको दिखाते हैं। इस अवयव में क्या है कि उसके विकर्ण में तो संख्याएं हैं लेकिन बाकी सब संख्याएं शून्य हैं। देखिए विकर्ण, अब विकर्ण आप कहेंगे ये तो दो विकर्ण होने चाहिए, एक तो बाएं से ऊपर चल के दाएं के नीचे आएंगे और फिर दाएं सबसे ऊपर से बाएं सबसे नीचे आना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए कि जब भी हम डायगनल या विकर्ण की बात करते हैं मैट्रिक्स में अवयव में, तो उस समय
दो बातें आपके सामने बिल्कुल आ जानी चाहिए। एक तो ये कि वो आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और दूसरी बात ये कि जो विकर्ण है वो बाएं सबसे ऊपर से चल के और दाएं सबसे नीचे वाले क्रम पे अवयव के ऊपर आएगा। बाएं सबसे ऊपर चल के दाएं में सबसे नीचे अवयव पर आएगा। अब इसमें जो हम आपको अवयव दिखा रहे हैं, इसमें 3005001 ये अवयव है, इसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। एक और विकर्ण अवयव आपको दिखाते हैं, इसके विकर्ण में संख्या है घटा चार, बाकी सब शून्य है। अब संख्याएं चाहे कोई भी हो, चाहे वो वास्तविक संख्याएं हो, चाहे वो सम्मिश्र संख्याएं हो, लेकिन संख्याएं अगर शून्य के अतिरिक्त विकर्ण में लिखी जाती हैं और बाकी सभी संख्याएं शून्य होती हैं तो उसको हम एक विकर्ण अवयव कहते हैं। एक और उदाहरण है विकर्ण अवयव की, इसमें देखिए विकर्ण में है वर्गमूल 2, 3, 1, -4, ये भी एक विकर्ण अवयव है। तो विद्यार्थी अभी तक आपने देखा कि आर्थर केले ने 19वीं शताब्दी के मध्य में एक विधि की रचना की जिसको हमने अवयव कहा। फिर हमने ये देखा कि अवयव के प्रकट होने के बाद इसका प्रयोग ना केवल गणित में बल्कि बहुत सारे दूसरे विषयों में भी किया गया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक अवयव की रचना कैसे होती है और अवयव के स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, वर्ग अवयव हो सकते हैं और वो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार अवयव भी हो सकते हैं। हमने दिए गए सूत्र के हिसाब से एक अवयव की रचना भी करके देखी और फिर हमने सीखा कि एक विकर्ण अवयव क्या है। अब आपसे निवेदन है कि आप इस पाठ के आधार पर अपनी दी गई पाठ्य सामग्री को देखिए और उसमें दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यदि आपको कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो आप हमें इस स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें या फिर जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर हम लिखें, हम आपका समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।